हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा टेक वीडियो में। दोस्तों आज आप इस वीडियो में सीखेंगे COVID-19 से लड़ने के लिए, COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए किसने कितना डोनेट किया है, किस कंपनी ने कितना पीएम केयर फंड में अपना योगदान दिया है। दोस्तों आज आप इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें विप्रो कंपनी, तो विप्रो कंपनी ने दोस्तों 1200 करोड़ रुपए योगदान दिए हैं पीएम केयर फंड में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आईटीसी की, तो आईटीसी ने 150 करोड़ रुपए योगदान दिए हैं पीएम केयर फंड में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एलआईसी ऑफ इंडिया ने, तो एलआईसी ऑफ इंडिया ने 105 करोड़ दिए हैं पीएम केयर फंड में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिवर ने, तो हिंदुस्तान यूनिवर ने 105 करोड़ रुपए दिए हैं पीएम केयर फंड में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अनिल वेग्रवाल वेदान कंपनी की तरफ से, तो 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम सबकी पसंद हीरो कंपनी की तरफ से 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं दोस्तों पीएम केयर फंड में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बजाज जूत की तरफ से दोस्तों 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड। उसके बाद दोस्तों अगर हम धार्मिक स्थल की बात करें, तो धार्मिक स्थल में सबसे पहले शिरडी की तरफ से 51 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें स्वदेशी पतंजलि प्रोडक्ट बाबा रामदेव की तरफ से पतंजलि की तरफ से 50 करोड़ रुपए दोस्तों दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से 125 करोड़ दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। उसके बाद दोस्तों अंबाजी मंदिर की तरफ से 20 करोड़ दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिद्धि विनायक मंदिर की तरफ से 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। बाद दोस्तों वैष्णो देवी की तरफ से दोस्तों 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। उसके बाद दोस्तों बालाजी मंदिर की तरफ से दोस्तों 75 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बीसीसीआई की तरफ से 51 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। दोस्तों सीआरपीएफ जो हमारे जवान है, उनकी तरफ से दोस्तों 33 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। अक्षय कुमार दोस्तों जो बॉलीवुड एक्टर हैं, जो हमारे हीरो हैं, जो हमारे बॉलीवुड अभिनेता हैं, उनके तरफ से दोस्तों 25 करोड़ रुपए दिया गया है पीएम केयर फंड में। और दोस्तों अगर हम सन फार्मा की बात करें, तो सन फार्मा की तरफ से 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। दोस्तों अगर बात करें ओला कैब की तरफ से 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। बात करें दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की तरफ से दोस्तों 500 करोड़ प्लस हॉस्पिटल दिया गया है। आनंद महिंद्रा की तरफ से दोस्तों होटल्स वेंटिलेटर और दोस्तों 4 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। दोस्तों बात करें अभिनेता डांगरे की तरफ से 1.5 करोड़ दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। अल्लू अर्जुन की तरफ से दोस्तों 1.25 करोड़ दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। रामचरण की तरफ से दोस्तों 1.40 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। अनुपम खेर की तरफ से दोस्तों 125 करोड़ दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। पवन कल्याण जो कि अभिनेता है, इनकी तरफ से दोस्तों 1 करोड़ दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। चिरंजीवी जो अभिनेता है दोस्तों, इनकी तरफ से भी 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। हेमा मालिनी अभिनेता की तरफ से दोस्तों 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। बाल कृष्ण अभिनेता है दोस्तों, इनकी तरफ से भी 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। जूनियर एनटीआर के जो अभिनेता है, इनकी तरफ से 1 लाख रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। सुरेश रैना दोस्तों जो क्रिकेटर है, इनकी तरफ से 52 लाख रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। सचिन तेंदुलकर दोस्तों जो की पूर्व क्रिकेटर थे, इनकी तरफ से 52 लाख रुपए दिए गए हैं पीएम केयर फंड में। सनी देओल दोस्तों जो की बॉलीवुड अभिनेता है, इनकी तरफ से 50 लाख रुपए दिया गया है पीएम केयर फंड में। कपिल शर्मा की तरफ से दोस्तों जो की एक कॉमेडी नाइट विद कपिल है, जो बहुत सबको हंसाते हैं, उनकी तरफ से भी दोस्तों 50 लाख रुपए का सहयोग किया गया है पीएम केयर फंड में। गौरव गांगुली की तरफ से भी दोस्तों 50 लाख रुपए दिया गया है। अभी दोस्तों ऐसे कुछ कंपनियां हैं जिनके ऊपर हम ज्यादा पैसा अपना खर्च करते हैं, ज्यादा उन पर ट्रस्ट करते हैं, हमेशा उनसे हमारा लेन देन होता रहता है। वो दोस्तों ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में 1 भी रुपए नहीं दिए गए। तो दोस्तों आइए हम जान लेते हैं कि किसने मतलब पीएम केयर फंड में 1 भी रुपए का योगदान नहीं दिया। दोस्तों सबसे पहली सबवे ने एक भी रुपए नहीं योगदान दिया है। दोस्तों पिज्जा हट ने भी 1 भी रुपए का योगदान नहीं दिया है। फिर दोस्तों डोमिनोज की तरफ से भी 1 भी रुपए का योगदान नहीं दिया गया है। दोस्तों बर्गर किंग की तरफ से भी दोस्तों 1 भी रुपए का योगदान नहीं दिया गया है। इंस्टा की तरफ से भी दोस्तों 1 भी रुपए का योगदान नहीं दिया गया है। फ्लिपकार्ट की तरफ से भी दोस्तों 1 भी रुपए का योगदान नहीं दिया गया है। और जानी मानी सबसे बड़ी ई कॉमर्स की साइट अमेज़न की तरफ से भी दोस्तों 1 भी रुपए का योगदान नहीं दिया गया है। महिंद्रा की तरफ से भी दोस्तों 1 भी रुपए का योगदान नहीं दिया गया है। की तरफ से भी दोस्तों 1 भी रुपए का योगदान नहीं दिया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हुंडई कंपनी जो कि दोस्तों जापानी कंपनी है, जिसका कार मतलब XYZ काफी गाड़ियां हमारे इंडिया में चलती लोग पसंद करते हैं, जिसने 1 भी रुपए का योगदान नहीं किया, जो कि लाखों प्रॉफिट वो हमारे इंडिया से करती है।
BMW दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा, जो कि जर्मनी की कंपनी है, इसने भी एक भी रुपए का योगदान नहीं दिया है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ओडी कंपनी दोस्तों, ओडी भी जापानी है, फिर इसने भी एक भी रुपए का योगदान नहीं दिया है दोस्तों। मर्सिडीज ये भी दोस्तों जापानी कंपनी है, इसने भी एक भी रुपए का योगदान नहीं दिया है। वीवो इसने भी एक भी रुपए का योगदान नहीं दिया है। ओप्पो ने भी दोस्तों एक भी रुपए का योगदान नहीं दिया है। एप्पल ने भी दोस्तों एक भी रुपए का योगदान नहीं दिया है। वन प्लस इसने भी दोस्तों एक भी रुपए का योगदान नहीं दिया है। दोस्तों सीधी सीधी कही जाए जितनी चाइनीज कंपनियां इन्होंने एक भी रुपए का योगदान नहीं दिया है, जो कि लाखों करोड़ों का प्रॉफिट वो इंडिया से करते हैं। दोस्तों आज आप इस वीडियो में देख लिया किस कंपनी ने कितना योगदान COVID-19 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार को पीएम केयर फंड में दिया है, किसने कितना डोनेट किया है। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में जान लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर शेयर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।